स्वीकार करेंगे एक को और बाबा के मुख से सुनेंगे, याद रखेंगे। जिस संकल्प को हम बार बार करते हैं या स्वनाम के संकल्प को बड़े दिल से करते हैं, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। आप अपने घर को शांति कुंड बनाना चाहती हैं, घर में बैठकर अभ्यास करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, किरणें फैल जाएंगी पूरे घर में, इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको घंटों करने की जरूरत नहीं। आधा मिनट, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से पूरे घर में किरणें फैल रही हैं। सभी को घर घर को मंदिर बनाना है। हमने संकल्प दिया, साधनाएं करनी होंगी। बहुत माल है इधर, सिखा भी करना है, थोड़ा नहीं है। तरे सब जन्म से न जाने क्या क्या भरा है, केवल पाप करने ही और बहुत गंदगी भरी है। गंदे विचार भरे हैं कईयों ने, वो आत्मा को सुखी नहीं होने देता। जिस मन में ईर्ष्या है, किसमें वैर भाव है, जिस मन में इनके और संकल्प उठते हैं, जिसके अंदर वासनाएं बहुत भरी हैं, उन्हें चैन नहीं होगा। इस बुद्धि में, ये बुद्धि हमारा पात्र है, हमें इसमें वरदान समाने हैं। कुछ बातें कुछ आत्माओं की बुद्धि से परे है, फिर भी मैं कह रहा हूं, आपने से कई बहुत अच्छी आत्माएं यहां रखी हैं। इस बुद्धि में हमें वरदान समाने हैं जो संसार का कल्याण करेंगे। बाबा ने बोल दिया, आप करेंगे प्रैक्टिस, तुम विघ्न विनाशक हो। एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना हो। एक भी आत्मे से कोई ये काम करने लगे, एक केवल वरदान चित्त में समान ले बाबा का, विघ्न विनाशक बन जाए, तो एक आत्मा ही पूरे कानपुर के विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक है, जो संकल्प हम करेंगे उसकी तरंगे चारों ओर फैलेगी। याद रखेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, ज्ञान में आने के बाद परिवार वाले, पड़ोसी, समाज वाले, रिश्तेदार आपका सम्मान नहीं करते, बहुतों के साथ होता ही है, स्वान में रहो, सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। रिपीट करेंगे, स्वान में रहो तो आपको सोचना नहीं, आपको परेशान नहीं होना। लोग गाली देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, ये अपना धर्म छोड़ के, अपनी देवी को छोड़ के कहां से बाबा के पीछे चली गई, और बुरा बुरा बोलते हैं लोग। सब आपको सच्चे दिल से सम्मान देंगे अगर सम्मान का अभ्यास करें। क्या रहेगा, स्वमान में रहने से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। स्वमान में रहने से बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा ने स्वमान के लिए कही हैं, जो बाद में आने वाले भाई बहन नहीं जानते। ध्यान से सुन ले, मैं दो चार रिपीट कर देता हूं। जो स्वमान की सेट सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं, उनके जिम्मेदार खुद हैं। बहुत पावरफुल है, स्वमान में रहो, आपकी जिम्मेदारी बाबा संभालेंगे, आपकी नहीं, आपके परिवार की। दूसरा एक बहुत सुंदर महावाक्य, जो स्वमान में
स्थित हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। विनाश काल में बहुत काम है, स्वान में रहो, ज्ञान सूर्य की किरणें छत्र छाया बन जाएगी। गोली भी चल रही है, आपको लगेगी नहीं, मिसाइल भी पड़ गया है, आपको बहुत दूर गिरेगा, ये अनुभव होंगे विनाश काल। और सुन लो, बहुत सुंदर बात, पति शुद्ध जो स्वमान में रहते हैं उन्हें स्वयं भगवान और प्रकृति दोनों सम्मान देते हैं। प्यारी बहनों तो नोट कर लो, रोज पढ़ना, कब तक नहीं लिखा, जो स्वमान में रहते हैं प्रकृति और भगवान दोनों उन्हें बोलो तूफान चलेगा, भयानक बारिश होगी, आप कहीं बाहर हैं तुरंत रुक जाएगी, घर पहुंचो, धरती फट रही है, आप कहीं फंसे हैं तुरंत सब लोग हो जाएगा, जाओ, आप कहीं अकेले हैं, आगे पांच बंदूक हाथों में है, आप सुहान में स्थित होके बाबा को बुलाओ, आ जाओ, सब बात जाएगी, आप देव दिखाई देगी उन्हें कि ये तो वही है जिसकी हम मंदिर में पूजा करके आए हैं, अपनी बंदूक भी समर्पित कर जाएगी, ये भी रख लो एक हाथ में, आठ हाथ है, एक खाली है, तलवार का युग नहीं, बंदूक ले होगा ये। अब हम स्वमान की सुंदर प्रैक्टिस